हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममता तनुज ब्लॉग। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी ठीक है जी। तो मैं अभी नहा के पूजा वूजा करके आ गई और मैं आई हूँ किचन में। यहाँ पे मैं अभी दूध लेके आई और यहाँ पे लेके आई हूँ कुदरे, क्योंकि मैं अभी थोड़ा चाय बना के पी लूँ, उसके बाद चाय में पी लूँ तनुज को दूध दे दूँ, तब मैं ये सब्जी बनाती हूँ। चलिए बैठा देती हूँ चाय। मैं यहाँ पे चाय बैठाई, मोबाइल अभी यहाँ पे ठीक कर रही थी और चाय बैठाई। और पता नहीं आजकल कैसा दिन चल रहा, हमारे यहाँ बहुत बुरा दिन चल रहा है, पता नहीं सबकी तबीयत खराब है आजकल। इतना हम लोग को हॉस्पिटल भाग दौड़ करना पड़ा कि पूछो मत। तो मैं यहाँ पे उसी के लिए मैं कपड़ा पहन ली थी, रेडी नहीं हुई थी हॉस्पिटल जाने के लिए। मैं सोची नाश्ता बनाती हूँ उसके बाद जाऊँगी हॉस्पिटल, क्योंकि ना मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया है। अभी भी ये जो बारिश हो रहा था लगता ना पता नहीं क्या चीज़ से हो गया, तो मुझे जाना है स्किन वाले डॉक्टर के पास। तो नंबर लगा हुआ है, आएगा 10:30 बजे टाइम, तो जाना है मुझे। तब तक मैं ये घर का काम कर रही थी, जल्दी नाश्ता बना दो फिर आके हम लोग करेंगे, क्योंकि टाइम नहीं था नाश्ता करके जाए हम लोग। ऐसे ही लेट हो चुका था सारे काम करके, मतलब पोछा कपड़ा सारे हो के तब भी मैं आई थी नहा के पूजा करके किचन में। तो यहाँ पे मैं तनुज का दूध बना रही थी, क्योंकि ना हॉर्लिक्स था ये, मैं जूनियर हॉर्लिक्स तनुज को देती हूँ, तो मैंने 1 चम्मच हॉर्लिक्स डाला और यहाँ पे मैं तनुज को दूध दे के फिर मैं अपना चाय रेडी की। यहाँ पे मैं चाय छानी और छान के चाय, और मैं ली थी नमकीन और बिस्किट, क्योंकि चाय मेरे से ना सादा चाय नहीं पिया जाता, केवल चाय मैं पी नहीं पाती। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने लिए नमकीन बिस्किट चाय और तनुज को भी थोड़ा सा 2 बिस्किट दी थी, उसका अलग बिस्किट था मेरा अलग था। फिर मैं यहाँ पे कुदरन वगैरह काट के रखी और मैंने तेल डाल दिया, फिर फ़ौरन डाल के छौंक दिया उसको और कुदरन की सब्ज़ी बन गया। इधर आटा वाटा गूंथ के तैयार की, फिर मैंने रोटी बनाया और बना के फिर हमने कर दिया रोटी। मैं यहाँ पे स्कूटी पर जा रही थी तो थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करी, और फिर यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए तो पता चला डॉक्टर ही नहीं आया है और डॉक्टर बहुत 1.5 घंटे लेट था। तो फिर हम लोग वहीं बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, देखो काफ़ी देर तक हम लोगों ने इंतज़ार किया वहाँ पे। तो फिर डॉक्टर अमन थक गया था, फिर दिखा के हम घर आए और हॉस्पिटल से निकलने के बाद जी नहीं कर रहा था बाहर कुछ खाने का, फिर हम लोग घर पर खाना खाएँ और खा के फिर यहाँ पर दवाई दिखी। मैं यहाँ पर खाना खा रही थी, आए थे हॉस्पिटल से सब लोग, पहले हम लोग नहाए हॉस्पिटल कपड़ा चेंज किए, उसके बाद ये दवाई दिखी। इतनी शू दवाई 1600 रुपये की है भगवान, स्किन की डॉक्टर की इतनी महंगी फीस और इतनी महंगी दवाई है, पूछो मत। ये लग रहा है 1600 रुपये की दवा होगी और ये इन्फेक्शन हो गया। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।